तो ये है लेस की चिप्स, इंडिया के हो गए करीब 180 रुपीज हो गए इंडिया के। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो आपको मैं बताऊंगा कि एक वीक की शॉपिंग का टोटल कितना खर्च होता है। तो व्लॉग पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। तो आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम आए हैं फ्यालो फ्रेस्को में आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर है यहाँ का, कनाडा का। ये है हमारी ट्रॉली। अभी हम आए हैं चालो फ्रेस्को। तो यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सब्जी है। तो गाइस, इस साइड पर है टोमेटो, $1.99 के हैं। तो गाइस, एक हमें लेने का है कुकुम्बर, जो $1 का है, तो इसको लगते हैं ट्रॉली में। डेट्स यानी खजूर, जो $1.79 की है। पीनट्स, जो $4.99 के है, मतलब $5 के है वो, इतने हैं सिर्फ, जो हम बारिश में चलते फिरते खाते रहते थे। ये है धनिया, जो 99 सेंट का है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मतलब ₹60 का सिर्फ इतना। ये है मशरूम्स, जो $2.69 के है, $2.69। तो गाइस, ये है पेपर्स, जो है $6.99 के। तो सब्जी, फ्रूट्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इधर। तो गाइस, ये है ऑरेंजेस, $1.99 के हैं। तो गाइस, ये है भुट्टा यानी मकाई, तो जो $3 की है। यहाँ पर का सेट आएगा $3 का। तो गाइस, ये है पानी पूरी, जो $6.29 की है। भाई साहब, कितनी ज़्यादा महंगी है, आप देख सकते हैं। और बनाना है 99 सेंट के। तो गाइस, ये है कुछ इस तरीके के फ्रूट्स यहाँ पर, और बोर्ड के साथ प्राइस लिखी हुई इधर। काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर आपको एक एक करके बताऊंगा मैं। तो ये है लेमन जूस, जो 99 सेंट का है यहाँ पर। तो गाइस, ये है चालो फ्रेस्को, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सब्जी से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की आइटम्स मिल जाएगी, जैसे कि फ्रूट्स और साथ में मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी वगैरह, आपको सभी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है ग्रेप्स, जो $2.49 की है, और ऐसे काफ़ी टाइप्स की यहाँ पर आपको ग्रेप्स देखने को मिल जाएगी। और ये जो ब्लूबेरीज है, वो करीब $5 की आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये है स्ट्रॉबेरीज, जो $4 की है। तो ये है रेड लेबल चाय, जो इंडिया में भी मिलती है यहाँ पर है, तो इसकी प्राइस है $9 की है, मतलब $10 की है ये। तो गाइस, ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है यहाँ पर, और प्राइस भी आपको उस हिसाब से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये है डाबर रियल का जूस, जो आता है $4 का, इंडिया में भी मिलता है और यहाँ पर भी है। आया हूँ बेकरी एरिया में, अब आपको वहाँ उसकी प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले रखे हुए है कप केक्स, जो है $2.89 के। काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के हैं, जैसे कि ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये है वेनिला फ्लेवर, और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो ऐसे टाइप का आपको मिल जाएंगे। और साथ में ये कुछ इस टाइप के केक भी है, जो आपको ये $7 का मिल जाएगा यहाँ पर केक। तो यहाँ पर ये है मैंगो केक स्लाइस, उसके नीचे है चॉकलेट कप केक्स, साथ में है वेनिला कप केक, और साथ में है चॉकलेट चिप्स, बनाना ब्रेड्स। को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेराइटीज़ है, जो $2 से लेके $6 के बीच आपको मिल जाएगा। तो गाइस, ये है फ्रोजन फूड आइटम्स, जो आपको $4 से लेके $10 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ में है सॉस, जो आप मेरे को इंडिया की याद दिला दी यहाँ पर ये देखकर। ये जो सेक्शन है, वो है पूरा ब्रेड का, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के यहाँ पर आपको ब्रेड्स देखने को मिल जाएगी, जो $2 की आपको मिल जाएगी ईच पैक। तो गाइस, आपको यहाँ का एक सिस्टम बताता हूँ। ये जो प्राइस लिखी है $4.99,
उसके साथ में ये नीचे छोटा सा दिख रहा होगा ई ए, मतलब ईच, $4.99 की ईच, मतलब एक पैकेट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको टोस्ट भी देखने को मिल जाएंगे और साथ में इस पे लिख भी रखा है अब आया ना मजा, वाह भाई वाह क्या लिख रखा है इसने। और इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, $6.49 की है ये। थोड़े सस्ते वाले टोस्ट भी है यहाँ पर $2.19 के, जो कुछ इतनी टाइप के है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिली मैगी जो 0.39 सेंट्स की, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। मैंने पहले ली थी वो जो करीब 99 सेंट की थी। और साथ में यिप्पी नूडल का भी बड़ा वाला पैक भी है जो $2 में आपको मिल जाएगा। जो जितना भी दिख रहा है वो सारा चिकन है, $10-12 में आपको मिल जाएगा। ये जो जितना भी एरिया दिख रहा है वो है पूरा फ्रीजर एरिया। भी हम आए हैं यहाँ पर $6.09 की एक एग की ट्रे है जिसमें करीब 12 eggs आते हैं। जो 12 eggs आते हैं गाइस 6.09 मतलब ₹27 का एक एग हुआ यहाँ पर। कनाडा में $6.39 की 3 दूध की थैली आती है जिसमें 3 pack है अंदर यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर 2 type के दूध मिलते हैं। ये जो ब्लू वाला है वो है बच्चों का, और जो रेड वाला है वो बड़े मतलब जो एडल्ट होते हैं वो लोग पीते हैं दूध। यहाँ पर सॉल्ट की प्राइस है $1.29। ये है मैंगो का अचार, साथ में है मिक्स अचार भी है यहाँ पर। ये एरिया है कुछ डिस्पोजर का, ये टिश्यू पेपर जो है करीब $2.99 मतलब $3 का है। और साथ में है प्लेट्स जो करीब $5.49 की है। तो ये है कुछ स्नैक्स की आइटम्स जो है कि $4 में आपको मिल जाएगी, जैसे कि चिटोस वो आपको एक पैकेट $4 का मिल जाएगा। रिट्स की बिस्किट जो $2.79 की है। तो ये है चिकन नूडल का सूप जो $3 का है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ मेयोनीज की तरफ, की प्राइस है $5.79। तो ये है आइसक्रीम्स जो $4.44 की मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा 3 type के फ्लेवर, 3 से 4 type के फ्लेवर्स हैं यहाँ पर। तो ये है ओरियो का बड़ा पैक जो $60 का है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है भाई। तो ये है कुकीज़, डैड्स कुकीज़ जो भी बोल सकते हो आप, जो $5 की है। तो गाइस अब मैं आपको कुछ सिनेमेटिक्स में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो अब आपको मैं सिनेमेटिक्स में दिखाता हूँ, उसे एंजॉय कीजिए। ये जो सेक्शन है वो है सीरियल्स का। तो ये है लेस की चिप्स जो है $2.99 की, मतलब सिर्फ 165 ग्राम से, और $2.99 मतलब इंडिया के हो गए करीब ₹180 हो गए इंडिया के, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है भाई। तो गाइस ये है कॉफ़ी नेस्कैफे की जो $6 की है। तो ये वाला सेक्शन आ गया है गुजराती फरसान का, जो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की यहाँ पर आपको सेव मिल जाएगी, चकरी मिल जाएगी, और ये कुछ चेवड़ा मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में चकरी नहीं खाते तो ज़रूर खाना गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है ये। तो ये है फूड ऑयल्स जो है $5 के। सॉफ्ट ड्रिंक्स में बात करें तो ये है कैनेडा ड्राई, साथ में स्प्राइट है, कोका कोला है, $9 के आसपास आपको मिल जाएगी इसका पूरा पैक। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने, और मेरे भाई ने जो घर की शॉपिंग कर ली है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कितने डॉलर की हुई। सारा सामान हमने रख लिया है कार में, अब इसको रखते हैं ट्रॉली को इसके अंदर।
तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने घर पर और कुछ इतनी ज्यादा लंबी सी लिस्ट बनी है और हमारा बिल बना करीब $80 से लेकर $100 के बीच में बना है हमारा बिल। तो ये हमारा हुआ वीकली ग्रोसरी परचेस जो हमने की और मैंने आपको जो भी जितना भी सामान था दिखा सका मैंने दिखाया वहां पर और प्राइस के साथ दिखाया और साथ में आपको मैंने कुछ कुछ के इंडिया की प्राइस भी बताई और कैनेडा में कितना ज्यादा डिफरेंस है प्राइस में वो भी बताया। और हाँ, आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए फॉलो, आपको इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो कर रही होगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर।